प्यारे भैया बहनों, आज की प्रातःकाल की आप सभी को प्रणाम। आज हम कक्षा पंचम में विषय संस्कृत में पंचम पाठा यानी पांचवा पाठ, जिसका नाम है नेव क्लिष्टा न च कठिना, इसको पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य है कि ना तो क्लिष्ट है और ना ही कठिन है। अब यह दिया गया है, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हेया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नेव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नेव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता, व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नेव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस अच्छे रसों वाली, सुबोधा अच्छा ज्ञान प्रदान करने वाली, विश्व मनोज्ञा विश्व के प्राणियों को अच्छी लगने वाली, मन से अच्छी लगने वाली, विश्व मनोज्ञा विश्व के प्राणियों को मन से अच्छी लगने वाली, ललिता हृदया रमणिया और हृदय को भी सुंदर लगने वाली, अमृतवाणी अमृत के समान वाणी वाली संस्कृत भाषा ना तो कठिन है और ना ही क्लिष्ट है, ना तो कठिन है और ना ही क्लिष्ट है। अब आगे कहा है कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता, जैसे पक्षियों में कोयल होती है वैसी कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण की रमणीय कथा, सुंदर कथा, अतीव सरल बड़ी ही सरल है, मधुर मंजुला बहुत ही सुंदर है। रामायण की कथा बहुत ही सरल है और बहुत ही सुंदर है, वह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ना तो वो क्लिष्ट है और ना ही कठिन है। व्यास विरचिता, व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नेव क्लिष्टा न च कठिना। कहते हैं कि व्यास द्वारा रचित और गणेश जी द्वारा लिखित, गणेश लिखिता गणेश जी द्वारा लिखित, व्यास रचिता व्यास जी द्वारा रचना की गई जिसकी, और गणेश लिखिता गणेश जी द्वारा जो लिखी गई है महाभारत पुण्य कथा, महाभारत की यह पुण्य कथा जिसमें कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ उसकी महाभारत में लिखी गई कथा, वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, वह भाषा संस्कृत भाषा में लिखी गई है, वह भाषा ना तो कठिन है और ना ही क्लिष्ट है, यह भाषा ना कठिन है और ना ही क्लिष्ट है। इससे पूर्व हमने अभी आपको दो स्टैंजा पढ़ा है, अब हम पढ़ा रहे हैं तीसरा और चौथा स्टैंजा। पढ़ा कहा है कुरुक्षेत्र संग सरांगण गीता विश्ववंदिता भागवत गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नेव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कुलगुरु नवरसोन्मेषजा ऋतु रघु कुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नेव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में समरंगण यानी युद्ध के क्षेत्र में संगमण गीता, कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण द्वारा कही गई गीता विश्व के लिए वंदनीय है, विश्ववंदिता विश्व के लिए वंदनीय है। भागवत गीता विश्व के लिए भागवत गीता वंदनीय है। अमृत मधुरा जो अमृत के समान मधुर है, कर्म दीपिका और कर्म करने के लिए हमसे कहती है, वह गीता जो हमसे कर्म करने के लिए कहती है, जिसे भगवान कृष्ण ने
कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कही थी वह गीता वह विश्व के लिए वंदनीय है और वह उसकी वाणी अमृत है के समान है, वह हमसे कर्म करने के लिए कहती है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा ना तो क्लिष्ट है और ना ही कठिन है। कवि कुल गुरु नवरसोन्मेषा ऋतु रघु कुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नेव क्लिष्टा नाच कठिना। कवियों में आदि गुरु और कुल गुरु कालिदास जी द्वारा नौ रसों में कही जाने वाले नाटक और कविता, जिसमें ना कविता में ऋतु रघु कुमार ये कविता और विक्रम शाकुंतल मालविका ये नाटक सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा ना तो कठिन है और ना ही क्लिष्ट है। संस्कृत भाषा ना तो कठिन है ना ही क्लिष्ट है। एक बार फिर पुनः रियाज करेंगे हम। कुरुक्षेत्रे सम्रांगण गीता विश्ववंदिता भागवत गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नेव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कुलगुरु नवरसोन्मेषा ऋतु रघु कुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नेव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा कही गई गीता, वह गीता भागवत गीता विश्व के लिए वंदनीय है और अमृत तुल्य है और कर्म के करने के लिए कहती है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। संस्कृत भाषा ना तो कठिन है और ना ही क्लिष्ट है। कवियों में श्रेष्ठ कालिदास जी द्वारा लिखा गई कविताएं, ऋतु रघु कुमार आदि कविताएं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं और विक्रम शाकुंतल मालविका आदि नाटक लिखे हुए संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत भाषा ना तो कठिन है और ना ही क्लिष्ट है। धन्यवाद। शेष कार्य आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा।